ग्यारह रास्ते इरेक्शन आने के लिए, उसके बारे में बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। कभी लोगों को इच्छा नहीं रहती कि वायग्रा जैसे दवाई लो, उसके साइड इफेक्ट्स है, तो फिर पूछते हैं कि भाई मैंने क्या करना चाहिए, किस तरह से मेरा इरेक्शन ठीक हो जाएगा, किस तरह से मुझे कठोरता आएंगी, ऐसे लोगों के सवाल रहते हैं। तो फिर उनके साथ में जब बातचीत करते हैं तो हम उनको काफ़ी सारे रास्ते बताते हैं। उसमें से कुछ रास्ते मैं आपको बता रहा हूँ। 11 रास्ते हैं कि जिससे आप इरेक्शन ठीक तरह से हासिल कर सकते हैं। नंबर एक जो है कि अपने फीमेल पार्टनर से संवाद करना, कम्युनिकेट करना, उसके साथ में रिश्ते अच्छे रखना, कुछ होल्ड करके रखा हुआ है, बातचीत ठीक नहीं है, गुस्सा है, खुन्नस है, पट नहीं रहा है, फिर उसके साथ में बोलचाल बराबर नहीं है, कुछ ना कुछ दिमाग में आता है, उसके खिलाफ कुछ आता है, तो एक वो ठीक करना पड़ेगा। और यदि आपको प्रॉब्लम है तो खुल के बोलना पड़ेगा कि ऐसा है, मतलब क्लियर कम्युनिकेशन, पारदर्शक कम्युनिकेशन पार्टनर के साथ में, नंबर एक। नंबर दो, न्यू जो है ना, कुछ बातें ट्राई करना चाहिए, न्यू थिंग्स। न्यू थिंग्स मतलब नई जगह है वहाँ ट्राई करो, नए पोजिशंस है वो ट्राई करो, नए तरीके हैं वो ट्राई करो। स्टिमुलेट करने के अलग हो सकते हैं, मतलब अच्छा म्यूजिक लगाओ, पॉर्न वीडियोस देखो, सेक्स वीडियोस देखो, सेक्स के बारे में बात करो, कुछ तो भी नया करो जिससे आपको इरेक्शन अच्छा आ जाएंगे। नंबर तीन, खान पान जो है, तो खान पान बहुत ज़्यादा हैवी डाइट रखते हैं तो उससे मतलब फिटनेस भी ठीक नहीं रहता है, तो खान पान में बहुत कंट्रोल डाइट होना जरूरी है। और बहुत ज़्यादा फैटी डाइट है, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का डाइट है तो वो आप खाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम है, तो वो आपने कंट्रोल करना चाहिए। प्रोटीन डाइट अच्छा है। और खान पान में चार नंबर ये देखते हैं कि क्या नहीं खाना, जैसा जंक फूड है, जंक फूड खाने से ठीक नहीं है तो जंक फूड नहीं खाना चाहिए, या फिर आपके ऐसे कोई भी फूड है कि जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेट फूल जाता है, और पेट फूलने से फिर मतलब ज़्यादा खाने से फिर हलचल नहीं होती, फिर सेक्स नहीं होता है, तो वो नहीं खाना चाहिए। तो इसमें खाना क्या चाहिए, तो भाई आप बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं तो उसमें हो जाता है, अच्छा हो सकता है। तो भी मैं फिर से दोहराता हूँ, अभी तक जो बातें कवर किया, नंबर एक संवाद करना अपने पार्टनर के साथ में, नंबर दो न्यू थिंग्स ट्राई करना, नंबर तीन खान पान अच्छा हेल्दी करना, नंबर चार खान पान में क्या नहीं खाना, नंबर पाँच जो है वो अल्कोहल का सेवन नहीं करना। अल्कोहल का सेवन करने से प्रॉब्लम आता है, अल्कोहल बंद करना पड़ता है, तो पाँच अल्कोहल नहीं लेना। नंबर छः कैफीन का इस्तेमाल करते हैं, कॉफ़ी, स्ट्रांग कॉफ़ी आप लेते हैं तो उससे फ़ायदा हो सकता है। नंबर सात एक्सरसाइज, एक्सरसाइज आप 40 मिनट से लेकर 1 घंटे तक एक्सरसाइज करते हैं, फिट रहते हैं, तो कोई बॉडी एक नहीं है, तंदुरुस्ती है, तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है और आपका इरेक्शन अच्छा हो जाए। नंबर आठ अच्छी नींद लेना, कम से कम 7-8 घंटे आप नींद लेते हैं और बहुत ही रिफ्रेशिंग नींद, तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा सेक्स लाइफ के ऊपर होता है। नंबर नौ तनाव, मतलब स्ट्रेस फ्री लाइफ, स्ट्रेस मैनेज करो, पैसे का टेंशन, बिजनेस का टेंशन, रिश्तों का टेंशन, बहुत ज़्यादा दिमाग के ऊपर स्ट्रेस है, लोड है, बॉस का टेंशन, कंपनी का टेंशन है, तो उससे प्रॉब्लम आ जाता है, तो वो टेंशन स्ट्रेस फ्री लाइफ होना जरूरी है। नंबर दस जो है वो है निकोटीन का इस्तेमाल नहीं करना, निकोटीन तंबाकू सिगरेट, इसमें क्या होता है कि हमारी जो खून की नलियाँ जो है उसका घेर अंदर से कम हो जाता है, उसका स्तर बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है और उससे प्रॉब्लम आता है, तंबाकू बंद करना पड़ेगा। और 11 जो है वह टेस्टोस्टेरोन की लेवल जो है वो देखनी पड़ेगी आपको, क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन कम हो गया तो इरेक्शन में प्रॉब्लम आता है। टेस्टोस्टेरोन कम होना तो इसमें एक मतलब ऑब्वियस दिखता है कि भाई हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होना, ज़्यादा बाल झड़ जाना, मस्कुलाइन जो है ना, मस्कुलाइन पुरुषी, वो पुरुषी बना ज़रा कम हो जाता है, फिर सीने के ऊपर छाती के ऊपर ऐसा मास चढ़ जाता है, गायनेकोमास्टिया जैसा होता है, तो ऐसे कुछ लक्षण है कि जिसके वजह से ऐसा लगता है कि नहीं एक बार टेस्टोस्टेरोन आप टेस्ट कर लो, और वो यदि कम हो जाता है तो उसका भी ठीक ठाक बैलेंस कर सकते हैं और अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मैं फिर से दोहराता हूँ, नंबर एक संवाद मतलब कम्युनिकेशन विद फीमेल पार्टनर, नंबर दो नई नई चीज़ें ट्राई करना, नंबर तीन खान पान कौन सा लेना मैंने बताया, नंबर चार खान पान कौन सा नहीं करना मैंने बताया, नंबर पाँच अल्कोहल शराब, नंबर छः कैफीन कॉफ़ी, नंबर सात जो है वो एक्सरसाइज करना, नंबर आठ नींद अच्छी होना, नंबर नौ तनाव स्ट्रेस, नंबर दस तंबाकू निकोटीन, नंबर ग्यारह टेस्टोस्टेरोन लेवल सेक्स हार्मोन लेवल देखना। तो
तो ये बातें आप देखते हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।